काफ़ी यूजफुल रहेगा मेरे क्योंकि इससे अगर ट्रेजर सो हेलो फ्रेंड्स विथ न्यू वीडियो ऑफ मफिन और मफिन आज थोड़ी सी टायर्ड लग रही है मफिन आज ज़्यादा खेल लिया सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गेट रेडी योर हाउस फॉर अ बीगल सो अगर आप में से कोई बीगल लेने की सोच रहा है या ऑलरेडी बीगल है जो छोटा है पपी है सो ये 7 टिप्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अपने घर को मेंटेन करने के लिए प्लस इनके बिहेवियर को भी मेंटेन करने के लिए एज लाइक सब जानते हैं कि बीगल इज़ क्वाइट एनर्जेटिक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और ये जब बोर हो जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करते हैं सो होपफुली आपको ये 7 पॉइंट्स काफ़ी यूज़फुल होंगे अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी एंड आप अगर इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ये आपकी लाइफ काफ़ी इजी बना देता है सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट वन इज़ बीगल आई व्यू अगर हम अपना घर इनकी नज़रों से देखेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या करने की कोशिश करते हैं सो आप अपने घर को इनके नज़रिए से देखें सो लाइक जैसे इनकी हाइट के हिसाब से आप जा सकते हैं आप घुटनों के बल बैठ के पूरे घर को देख सकते हैं और अगर आपको लगता है ऐसी कुछ चीज़ें अगर घर में पड़ी हैं या कुछ भी इस टाइप का चीज़ है जो ये उठा के च्यू कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब ये बोर होंगे तो आप उन चीज़ों को हटा दें लाइक कभी कभार हो जाता है कि टी शर्ट्स गिर जाती हैं कभी फ्लोर पे कोई चीज़ आपकी वैल्यूएबल चीज़ है सो इनको नहीं पता होता है कि वो वैल्यूएबल है बट दे कैन डिस्ट्रॉय दैट सो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं सो सेकेंड वन इज़ मेंटेन योर स्टफ अपने स्टफ को आप मेंटेन करके चलिए उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ये पहुँच ना पाए लाइक बीगल्स की हाइट चाहे छोटी होती है बट ये अराउंड कॉफ़ी टेबल तक पहुँच जाते हैं आराम से हमारे घर पे भी टेबल है ये आराम से वहाँ पे पैर रख लेती है वहाँ से चीज़ें भी कभी कभार गिरा देती है सो मेंटेन योर स्टफ प्रॉपरली और ऐसी चीज़ें जो इनको हार्म कर सकती हैं या ये हार्म कर सकते हैं लाइक पेपर्स आपके डॉक्यूमेंट्स मैगजीन्स योर क्लोथ्स इन चीज़ों को आप संभाल के रखें ताकि ये उनसे दूर रहें और उनको डिस्ट्रॉय ना करें थर्ड वन इज़ बैटन डाउन द वायर्स का मतलब है कि आप अपनी वायर्स भी संभाल के रखें या ऐसी वायर्स जो ओपन हैं लाइक जिनमें टेपिंग होती है या कुछ खुली वायर्स रहती हैं जो बीगल जहाँ पे पहुँच सकते हैं सो उनको प्लीज़ टेक केयर करें ताकि इनको कुछ हार्म ना हो एज लाइक अगर ये खेल खेल में भी वायर अगर ये च्यू कर लेते हैं तो ऑफकोर्स इनको शॉक लगने का पूरा चांस है सो कीप एन आई इनके ऊपर आप नज़र रखें इन चीज़ों पर एज लाइक वायर्स आपकी फ़ोन वायर्स भी हो सकती हैं चार्जर्स की लैपटॉप चार्जर एंड ऐसी वाईफाई एंड ऑल दीज थिंग्स इनको उन चीज़ों से दूर रखें और इनको समझाएं भी कि वो चीज़ इनको हार्म कर सकती हैं सो अगर आप ऐसे ट्रेन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो बोर जब होंगे तो ऐसे कोई भी वायर्स को च्यू नहीं करेंगे फोर्थ वन इज़ ब्लॉक स्टेयरकेस एंड क्लोज द विंडोज़ अगर आपके पास स्टेयरकेस है और आपका पपी काफ़ी छोटा है और आपको लग सकता है कि वो स्टेयर से गिरेगा और गिरने का डर है तो आप उस चीज़ को बंद कर सकते हैं या उस एरिया में उसको जाने से रोक सकते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए या समझदार ना हो जाए इस चीज़ के लिए कि वो स्टेयरकेस उन्हें हार्म कर सकती है सो विंडोज़ आप बंद रखें अपने घर की क्योंकि पूरे चांसेस होते हैं कि ये एस्केप कर सकते हैं वहाँ से नो डाउट इनको
आपसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। अगर इनकी नोज को कोई फ्रेगनेंस मिल गई तो नो डाउट ये उसे चेस करने के लिए भागेंगे, और अगर विंडो खुली होगी या डोर्स खुले होंगे तो ये भाग सकते हैं। सो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि विंडोज, डोर्स और स्टेयरकेस ऐसे कोई भी चीज़ खुली ना हो जिनसे ये एस्केप कर सकते हैं या उनसे हार्म हो सकते हैं। सो फिफ्थ वन इज़ सिक्योर द कैबिनेट्स। आपके सभी के घरों में कैबिनेट्स होती हैं नो डाउट, और कुछ कुछ कैबिनेट्स ऐसे बनवाते हैं हम लोग कि वो इजीली खुल जाए हमारे लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है बट नॉट फॉर देम। अगर उस कैबिनेट में हार्मफुल टॉक्सिन रखा हो या कुछ ऐसी चीज़ें रखी हो जो जिसमें यू कैन से कुछ केमिकल्स मिले हों जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छे ना हो, सो उन कैबिनेट्स को आप लॉक करके रखें या उन चीज़ों को आप उनसे दूर कर दीजिए ताकि ये उन तक पहुंच ना पाए। सम लाइक शुगर्स भी होते हैं, शुगर्स आर नॉट गुड फॉर देम, चॉकलेट्स आर नॉट गुड फॉर देम, एंड गार्लिक एंड अनियंस आर नॉट गुड फॉर देम। सो उन चीज़ों को आप अपने बीगल से दूर रखें। सिक्स्थ वन इज़ टर्न डाउन टॉयलेट लिड्स। सो आप अपनी टॉयलेट लिड्स जो भी हैं उनको हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि ये बहुत शैतान होते हैं। इनफैक्ट ये भी बहुत शैतान है, कभी कभार जाके उसमें से वाटर पी लेती है एंड इट्स डिस्गस्टिंग, प्लस इनकी हेल्थ के बहुत बुरा है क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो एवरी टाइम यू यूज़ योर टॉयलेट, जब भी आप अपना टॉयलेट यूज़ करें, सो उसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसके लिड हमेशा क्लोज करें व्हेन एवर यू गेट आउट फ्रॉम योर बाथरूम। सो लास्ट पॉइंट इज़ नो ट्रैशिंग। आप ज़रूर ध्यान रखें इस बात का, दिस इज़ द मेन पॉइंट आई कैन से, क्योंकि ये मैंने फेस किया था जब मफिन छोटी थी और ये हमेशा डस्टबिन के पास चले जाती थी और उसमें मुंह मारती थी, क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रेजर फॉर देम, इनके लिए ये खजाने के बराबर होता है और इनको बहुत मज़े आते हैं उसमें से कोई भी चीज़ फाइंड आउट करके फिर इसको खाना। नो डाउट मफिन ने भी ये चीज़ करी थी। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आपका डस्टबिन है घर का, वो या तो एक बंद कैबिनेट में रखें, अगर बंद कैबिनेट में आप नहीं रखना पसंद करते हैं सो इनसे दूर रखें, और कोशिश करें कि आपका जो डस्टबिन है वो बंद वाला हो, लाइक उनके उसके ऊपर कैप लगा हो ताकि ये उसमें से कुछ गंदा ना उठा सके, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा गंदा खा लेंगे या ऐसा कुछ खा लेंगे जो इनकी हेल्थ पे इशू कर सकता है, तो आप इन चीज़ों को अपनी बीगल से दूर रखें। शैतान बहुत होते हैं, ये सबसे पहले वहीं जाएंगे खुशबू से या उनकी महक या जो भी खाना उसमें डस्टबिन में होता है उसकी महक से, दे गेट अटेंशन, अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ों से। सो अवॉइड करें इन चीज़ों को, एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो, और ये 7 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ट्राई एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। And now we are ending up the video as like muffin busy hai apni treats khane mein, so we are saying bye.